फ्रेंड्स, लेक्चर के इस पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल होता है। और अब क्योंकि हम लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई प्लेन में कुछ कुछ डायग्राम वगैरह बनाएंगे, तो ये तो एक्स हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। और अब इसका मैं एक्स वाई डायग्राम या एक्स वाई प्लेन में इसका पिक्चर बनाऊंगा, फोटो बनाऊंगा। इसलिए मैंने यहां पर वाई और एक्स के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? तो जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो उनको ये आइडिया होगा कि जैसे ही आपके पास अगर एक सेकेंड डिग्री का टर्म आ जाए एक्स में या वाई में फॉर दैट मैटर, और दूसरा जो वेरिएबल है वो अगर सिंगल डिग्री में रहे, यानी कि एक्स जो है वो सेकेंड डिग्री में है, यानी कि एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है, और वाई जो है वो लीनियर है, तो ये क्या बनता है? ये एक पैराबोला बनता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि वाई स्क्वायर हो और यहाँ पर एक एक्स हो, तो ये भी एक पैराबोला बनता है। दोनों केस में ओरिएंटेशन केवल अलग होता है। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन की बात करेंगे जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई क्या है? लीनियर टर्म है, यानी कि उसका डिग्री 1 है, और एक्स का डिग्री क्या है? 2 है। तो इस तरह का जो भी इक्वेशन हो, इस तरह का जो भी पॉलिनोमियल हो, उसका जो ग्राफ बनता है उसको कहते हैं पैराबोला। अब ये कहाँ से आया मैं अभी आगे ही तुरंत बताने वाला हूँ। जिन लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ा सा कैलकुलस का आइडिया होगा, वो सब बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि ये पैराबोला क्यों है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप से स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे कि ये पैराबोला क्यों कहलाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो तीनों कोएफिशिएंट हैं ए बी और सी, इन तीनों का क्या रोल है। सबसे पहले हम लोग इस ए के रोल पे आते हैं। ए क्या करता है? मान लीजिए कि ए पॉजिटिव है, ठीक है, हमने एक केस लिया कि सपोज ए इज पॉजिटिव। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? जैसे जैसे x बहुत लार्ज होता जाएगा, यानी कि इफ x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? अगर a ग्रेटर देन जीरो वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, उस केस में y भी आपका लार्ज होता जाएगा। और इसी का उल्टा दूसरे केस में आइए कि अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, उस केस में भी y जो है इट विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी। यानी कि a अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा? वो कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे एक कटोरा टाइप का बनेगा, लेकिन वो सीधा कटोरा होगा, या ऐसा बनेगा, या इस तरह का बनेगा, या इस तरह का कुछ बनेगा, कुछ भी बनेगा इस तरह का बनेगा। तो ये तीनों केस क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन जीरो वाला केस है। यानी कि ए ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये जो कोएफिशिएंट है ये अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा, ऊपर की तरफ मुंह करता हुआ कटोरा होगा। ये देखिए, ये कटोरे के शेप में लग रहा है, तो इस कटोरे का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है। कब? जब ए ग्रेटर देन जीरो है। इसका एक नाम भी होता है, इसको कहते हैं कॉनकेव अप। कॉनकेव अप का मतलब ये कॉनकेव है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से है। इसको कॉनकेव अप भी बोलते हैं, या सीधा सीधा कॉनकेव भी बोलते हैं, या आप इसको ऐसे मानिए कि एक सीधा कटोरा है जिसमें आप पानी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें पानी डाला तो पानी ऐसे ऐसे होल्ड हो जाएगा, पानी इसमें रुक सकता है, पानी आप इसमें कंटेन कर सकते हैं। ये कब होता है? ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा अगर ए लेस देन जीरो है। ए अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? अब ए अगर नेगेटिव है तो अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो y भी क्या होगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी कि a अगर नेगेटिव है तो यही कर्व देखिए कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा इस तरह का। यानी कि a लेस देन जीरो अगर हो जाए, ये वाला केस a लेस देन जीरो, तो ये जो कटोरा बनेगा उल्टा कटोरा बनेगा। मैं a लेस देन जीरो वाला भी केस बनाता हूँ, तो a लेस देन जीरो में कर्व इस तरह का बनेगा, कुछ ऐसे या ऐसे। ये सब केस कौन सा है? a लेस देन जीरो। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a का क्या रोल है। a अगर पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा, कटोरा जो होगा ऊपर की तरफ मुंह करता हुआ बनेगा।
ए अगर लेस देन जीरो है तो ये उल्टा इन्वर्टेड कटोरा होगा, या इसको हम लोग कॉनकेव डाउन भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है कॉन्वेक्स। अब ये कॉनकेव कॉन्वेक्स ये सब अगर आप मेरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। इसी चीज को मैं कैलकुलस के माध्यम से भी समझा सकता हूँ। वो कैसे? कैलकुलस में एक कॉन्सेप्ट होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अगर किसी जैसे y है, इसका मैंने y प्राइम निकाला, y प्राइम क्या होता है dy वाई बाई डी एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप y प्राइम लेंगे इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का तो क्या आएगा 2ax प्लस बी। डबल प्राइम लेंगे यानी y डबल प्राइम मतलब दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a। और कैलकुलस में कॉन्सेप्ट होता है जो अगर आप मेरा लेक्चर देखें कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव फंक्शन वाला, तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, जैसे इस केस में क्या है y डबल प्राइम, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो तो वो फंक्शन क्या होता है कॉनकेव अप होता है। जैसे ये वाला केस देखिए, ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला क्या है, इसमें y डबल प्राइम ग्रेटर देन जीरो है, इसमें भी y डबल प्राइम ग्रेटर देन जीरो है। y डबल प्राइम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो dy बाई डी एक्स आया, जो स्लोप आया, जो टेंजेंट आया, उस टेंजेंट का डेरिवेटिव, उस टेंजेंट का स्लोप। अब ये सब कैलकुलस के कॉन्सेप्ट हैं, आप उस चैप्टर में जाकर समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहां से देखिए डबल डेरिवेटिव क्या है 2a, अगर a पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब कर्व जो है वो इस तरह का बनेगा कॉनकेव अप। इसी का ठीक उल्टा होगा कि अगर a लेस देन जीरो है तो कर्व इस तरह का बनेगा कॉनकेव डाउन, या जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। जैसा ही कि मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है और आप देख रहे हैं कि हर ग्राफ ऐसा है, या तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, क्या ऐसा भी कोई ग्राफ हो सकता है इस तरह का? पैराबोला ये भी है, ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, इस तरह का हो जाए, जो है ना, इसका एक्सिस आप कह सकते हैं कि स्लांटिंग है, इनक्लाइंड है। इस तरह का पैराबोला क्या हो सकता है इसका ग्राफ? ये नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है मैं अभी समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये पैराबोला बन रहा है, लेकिन किस तरह का पैराबोला है, इसको थोड़ा सा मैं इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा इसके साथ में अगर जगलड़ी करूं तो क्या होगा। और ये जगलड़ी एग्जैक्टली वही है जो मैंने रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए किया था, वही एग्जैक्टली सेम चीज है। ये क्या है, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ए से डिवाइड कर देता हूं। ए से मैं डिवाइड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि ए नॉन जीरो है। तो इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको कुछ टर्म के स्क्वायर और माइनस वो सब के टर्म्स में लिखता हूं। बहुत सिंपल है उसको लिखना। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए को मैंने कर दिया 2b बाई 2ax, प्लस यहां पर मैं कर देता हूं बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये सब क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि ये सब करने से देखिए ये वाला टर्म क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर यहां कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन से यहां से मैं यहां तक आ सकता हूं सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके। और ये मैनिपुलेशन एग्जैक्टली वही है जो मैनिपुलेशन मैंने कब किया था, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। मैंने क्या किया अभी मैंने बस सिंपली ये किया कि ए को बाहर निकाल दिया, फिर अंदर में एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू बी बाई 2 ए एक्स वाला एक टर्म लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर कर दिया। ये सब करने से क्या हुआ, क्योंकि मैं एक्स प्लस बी बाई 2 ए होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस कर दिया क्योंकि एक बी स्क्वायर बाई 4 ए यहां लिखा था, तो बी स्क्वायर बाई 4 ए माइनस कर दिया और फिर माइनस 4 ए सी कर दिया, तो इससे ये सी वाला टर्म यहां पर आ गया। तो यहां से यहां आना बहुत ही सिंपल एल्जेब्रा है, सिर्फ एक दो स्टेप में आपको मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर है उसको ऐसे मैनिपुलेट करके लिख दिया। तो आप कहेंगे कि आपने ये जो मैनिपुलेशन किया क्यों किया, इससे क्या फायदा मिला? इससे ये फायदा मिला कि मैं अब इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये क्या हो गया वाई इज इक्वल टू ए। अब मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूं, सपोज एक कैपिटल एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस दिस समथिंग। तो ये क्या है, ये पैराबोला है। किस तरह का पैराबोला है,
ये आपको दिखा रहा है, ये वैसा पैराबोला है जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, वो लाइन कौन सा है, लाइन ये हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे लिखें तो ये लाइन है जहां पर x प्लस बी बाई टू ए जीरो है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए है। और ये लाइन किधर हो सकता है, y एक्सिस के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि b बाई ए का साइन क्या है। तो इससे मुझे क्या मिला, इससे ये मिला कि जब आपने सपोज एक पैराबोला बनाया, ये सपोज ये पैराबोला है, ये पैराबोला क्या होगा, उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाला लाइन होगा x प्लस बी बाई टू ए। और ये लाइन क्या होगा, ये लाइन इसको आप यहां पर अगर ऐसे बना दें, सपोज ये लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये मान लीजिए कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये y एक्सिस के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन जहां भी होगा ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, वो इसलिए पैरेलल होगा क्योंकि देखिए यहां से हमने लिखा है लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से आ रहा है, x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन से लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। और इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू प्लस 5 है तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू अगर माइनस 5 है तो जो y की वैल्यू आएगी, दोनों x के लिए प्लस 5 के लिए माइनस 5 के लिए y की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन के अबाउट, ये क्या है x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, इस लाइन से अगर मैं x डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो y क्या है, दोनों साइड में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। यानी कि अगर सपोज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से अगर मैं दो यूनिट राइट आता हूं या दो यूनिट लेफ्ट जाता हूं, दोनों केस में y क्या होगा, सेम होगा। यहां से अगर मैं 10 यूनिट राइट जाऊं या 10 यूनिट लेफ्ट जाऊं, दोनों केस में y की वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, क्योंकि देखिए ये है वाई इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू प्लस 10 हो या माइनस 10 हो वाई सेम आएगा। और ये वाला टर्म तो खैर कॉन्स्टेंट है ही, इसलिए ये जो लाइन बन रहा है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ये पैराबोला किस केस के लिए था, ए पॉजिटिव के लिए था, यानी कि अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह का कुछ बनेगा, इस तरह का बनेगा। लेकिन उन सारे केसेस में भी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, x इजकल टू माइनस बी बाई टू ए, ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसलिए जो अभी मैंने बताया कि कोई भी दुनिया का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा, या यहां बनेगा, ये बनेगा, इसी तरह का बनेगा, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री या उसका एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इस तरह का कभी नहीं बनेगा, इस तरह का या इस तरह का कभी नहीं बनेगा। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो उसका ग्राफ जो है वो इस तरह का या इस तरह का या इस तरह का ऐसा बनेगा। वो एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं कट करेगा वो एक अलग कहानी है, वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, जो मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा कि एक्स एक्सिस को कट करेगा या ऊपर ऊपर ही रह जाएगा या नीचे नीचे ही रह जाएगा, वो अलग कहानी है। लेकिन जो भी पैराबोला बनेगा उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सारे पैराबोला जो हैं वो इस तरह के बनेंगे, इस तरह का कोई पैराबोला नहीं बनेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमें इस तरह का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। इस फॉर्म में लाने से क्या फायदा हुआ, इस फॉर्म में लाने से ये फायदा हुआ कि मुझे दिख रहा है कि ये जो पैराबोला है किस शेप का है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहां बन रहा है। इसको लिखने से फायदा ये हुआ कि अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ए टाइम्स कैपिटल x, जो कैपिटल x को एक नया वेरिएबल है मान लीजिए, होल स्क्वायर माइनस दिस थिंग, ये एक कॉन्स्टेंट है। तो अब आपको ये क्या दिखा रहा है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस दिस थिंग। तो ये एक सिंपल पैराबोला है जिसको मैंने यहां पर बना दिया है, और इस पैराबोला में ये वाला जो लाइन है वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये लाइन क्या है, ये लाइन बेसिकली है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये क्या है, x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। इसको इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस माइनस बी बाई टू ए
इसका आप होल स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि पूरे पूरे जो ग्राफ को आपने शिफ्ट कर दिया है अलोंग दिस एक्स एक्सिस, और कितने डिस्टेंस से शिफ्ट किया है, माइनस बी बाई टू ए से। अगर आपको सपोज एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाता है अगर इस तरह का, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर कोई कॉन्स्टेंट सी नॉट है, तो ये पैराबोला कैसा बनता, ये पैराबोला बनता इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों है, सोचिए इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस c नॉट के लिए, वो इसलिए है कि सपोज अगर आप x की वैल्यू प्लस 5 लें या माइनस 5 लें, y की वैल्यू सेम आएगी। अगर आप x की वैल्यू प्लस 8 लें माइनस 8 लें, y की वैल्यू सेम आएगी। इस इक्वेशन के लिए देखिए, इस वाले इक्वेशन के लिए, इसका मतलब ये जो वाई एक्सिस है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस पैराबोला को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा था वो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसमें क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला भी टर्म था। तो हमने कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके कुछ ऐसा बना दिया कि अब इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में क्या इसको लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। अब अगर मैं एक नया वेरिएबल अगर डिफाइन कर दूं जो x प्लस बी बाई टू ए के बराबर है, तो इक्वेशन अब ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू ए दिस न्यू वेरिएबल कैपिटल x होल स्क्वायर माइनस दिस कॉन्स्टेंट टाइम। यानी कि इस न्यू वेरिएबल में कैपिटल x के डोमेन में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये कैपिटल x वाला ये लाइन क्या है, ये वाला है x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। यहां से देखिए x प्लस बी बाई टू ए था, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस माइनस बी बाई टू ए, ये हो गया दिस होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ को आपने अलोंग x एक्सिस इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया है। जब आप लोगों ने कैलकुलस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफ पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट भी देखा होगा कि अगर सिंपल ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो उसका आप कुछ बना देते हैं। इसी को अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग ए डिस्टेंस से टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस करते हैं तो ग्राफ कैसा हो जाता है, एक्स प्लस माइनस ए के फॉर्म में आता है। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी हुआ है। ये वाला जो लाइन ऑफ सिमेट्री है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहां भी होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इसलिए मैंने बताया था कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जैसा भी बनेगा उसकी एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए। वो कंडीशन ये है कि इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि हर ग्राफ जो है वो इस तरह का होगा। कभी भी आप इस तरह का ग्राफ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए नहीं पाएंगे, इस तरह का या इस तरह का या ऐसा जिसका एक्सिस या जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री इनक्लाइंड हो, वैसा कभी नहीं होगा। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री जहां पे कट करता है वो ये पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाई टू ए है। इस वर्टेक्स की भी एक खासियत है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ये है कि सपोज आपको वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दिया हुआ है कि सपोज ए ग्रेटर देन जीरो है और आपसे पूछा है कि बताओ वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप कैलकुलस के मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो रखिए, जो एक्स की वैल्यू है उससे आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, जिन लोगों ने कैलकुलस पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से मालूम होगा। अभी मैं सेम क्वेश्चन को अगर मैं एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूं, देखिए इस एक्सप्रेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको गिवन है कि ए ग्रेटर देन जीरो है, वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो अपने मिनिमम वैल्यू पे रहे, क्योंकि देखिए यही जो वाला टर्म है वो x पे डिपेंडेंट है, ये तो एक कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू फिक्स है, इसको आप x में कोई भी चेंज लाकर इसको नहीं चेंज कर सकते। तो ये जो सेकेंड वाला टर्म है तो फिक्स है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए है, ये फिक्स है, जो भी चेंज होना है वो इसमें होना है। अब इसको अगर मुझे मिनिमम करना है, छोटा से छोटा करना है, तो क्या कर सकता हूं मैं, ये क्योंकि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो जीरो हो सकती है, तो इसको मैं कम से कम जीरो पे ले जा सकता हूं, जीरो से कम मैं इसको नहीं ले सकता हूं, इसको मैं माइनस फाइव माइनस टेन नहीं बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑफ अ रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव।
तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, यानी कि जब मुझे y मिनिमम पता करना है उस केस में इसको मुझे जीरो करना होगा। जीरो करना होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे ग्राफ कहाँ मिल रहा है, इस वर्टेक्स पे मिल रहा है, यानी कि वर्टेक्स पे क्या होता है, y की मिनिमम वैल्यू होती है। अब इसी चीज को आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, बोलेंगे आपने इतना एलजेब्रा से मुझे क्या समझाया, वो तो बहुत सिंपल, मैं ग्राफ से भी देख सकता हूं कि ग्राफ इसका ऐसा बन रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू जो भी है ये मिनिमम है। तो इसको ध्यान रखिए कि अगर इस तरह का ग्राफ है, सीधा कटोरा है, और सीधा कटोरा कब होगा, a ग्रेटर देन जीरो वाले केस के लिए, तो y की मिनिमम वैल्यू कहां पर आती है, इस पॉइंट पर, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा कि अगर a लेस देन जीरो है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऑब्वियसली कुछ इस तरह का बनेगा भाई, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कुछ आएगी, चलिए मैं बना देता हूं, ये होगा y की मैक्सिमम वैल्यू, और y की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू भी x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर होगी, ऑब्वियसली क्योंकि एक दूसरा एक्सप्रेशन होगा तो उसमें b बाई टू ए की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि ग्राफ जो बन रहा है इस तरह का, उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसी वर्टेक्स पे होता है। अगर इस तरह का ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ कब होगा, ऑब्वियसली a लेस देन जीरो वाले केस में। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू मैं कहाँ पे बताऊंगा, इस पॉइंट पर है। अब उसको यहां से भी देख सकते हैं कि अगर a लेस देन जीरो है, यानी कि a नेगेटिव नंबर है, तो इस पूरे y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम ये जीरो पे होगा। तो जीरो होने के लिए x प्लस बी बाई टू ए की वैल्यू को आपको जीरो करना है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए होगा। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पॉइंट है कि सपोज इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रियल रूट, हम लोग अभी उसी केस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रियल रूट्स हैं, जब रियल रूट नहीं होगा तो उसको भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या होगा उस केस में। अगर रियल रूट है तो सपोज ये वाला रूट क्या है, अल्फा है भाई, ये वाला रूट क्या है, बीटा है। अल्फा बीटा रूट की वैल्यू क्या होती है, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए वाले फॉर्मूले से देखा होगा। तो अल्फा को अगर हम लोग लिख देते तो क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए, इसको लिख देते माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये हो जाएगा ना। और बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए प्लस दिस सेम थिंग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो अब यहां से देखिए, ये जो अल्फा रूट क्या है, माइनस बी बाई टू ए, यानी इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस इधर है। बीटा क्या है, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस इधर है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या है, ये वर्टेक्स क्या है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, यानी इस वर्टेक्स से, ये जो वर्टेक्स हुआ, इससे जितना डिस्टेंस इधर ये अल्फा होगा उतना ही डिस्टेंस इधर ये बीटा होगा। और वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस है ये वाला चीज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। अल्फा रूट में क्या है, दिस माइनस बी बाई टू ए माइनस दिस थिंग, यानी कि वर्टेक्स से आप पीछे आइए इतना डिस्टेंस। बीटा के लिए क्या कर रहे हैं, आप वर्टेक्स से टुवर्ड्स राइट जाइए, आगे जाइए सेम डिस्टेंस, यानी कि ये जो वर्टेक्स है इस अल्फा और बीटा के बीच में सिमेट्रिकली लाई करता है, यानी कि मैं उसको कह सकता हूं कि ये जो वर्टेक्स है उस अल्फा और बीटा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगर ये इन दोनों अल्फा और बीटा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा कि सपोज अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर पे एक्स एक्सिस से, दूसरा है 20 सेंटीमीटर पे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा 10 प्लस 20 बाई 2 15 सेंटीमीटर पे, होगा ना, बहुत सिंपल है। उसी तरह ये जो वर्टेक्स है ये क्या है, अल्फा और बीटा के बीच में सिमेट्रिकली लाई कर रहा है, यानी इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जिस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने किया ना अभी, क्या किया था, 10 प्लस 20 बाई 2, या अगर एक पॉइंट है x1 कोऑर्डिनेट पे, दूसरा है x2 पे, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, ये है अल्फा पे, ये है बीटा पे, ये वर्टेक्स इन दोनों रूट के बीच में सिमेट्रिकली लाई कर रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और ये 2 है ही, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2 ए, यानी कि इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वर्टेक्स है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाई
2a। तो इस पार्ट में मैंने बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लंबा खींच कर समझाया है, उसको ग्राफ से समझाया है, थोड़ा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन किया है, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर जाए, अच्छे से बैठ जाए। इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी याद करने वाला नहीं है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि अगर उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रियल रूट्स है, रियल जीरोज हैं, तो कैसा बनता है, इस तरह का ग्राफ बनेगा या इस तरह का बनेगा। इस तरह का किस केस में बनता है, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। इस तरह का कब बनता है, ए लेस देन जीरो के लिए। लेकिन यह भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके पास रियल रूट्स नहीं हो, उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा। तो अब मैं उन्हीं सारे केसेस को डिस्कस करूंगा। ये वाला केस तो अभी हमने डिटेल में समझ लिया, ये क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए जब रियल रूट्स हो। इसी का ठीक अगर आप उल्टा में चले जाएं, यानी ए लेस देन जीरो के लिए, तो कैसा बनेगा, इस तरह का बन जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया उस केस के लिए जब ए ग्रेटर देन जीरो है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स भी हैं। लेकिन सपोज ए ग्रेटर देन जीरो है लेकिन उसके रियल रूट्स नहीं है, तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का क्यों होगा, क्योंकि इसके पास रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये ग्राफ किस तरह के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड द क्वाड्रेटिक डज नॉट हैव एनी रियल रूट। तो डज नॉट हैव एनी रियल रूट का क्या कंडीशन होता है, उसका कंडीशन होता है डी लेस देन जीरो। और डी क्या है, डी हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, इस डी पर, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। और ए ग्रेटर देन जीरो के लिए तीसरा केस ये भी हो सकता है कि सपोज ग्राफ जो है वो जस्ट इस एक्स एक्सिस को टच करे, यानी कि रूट्स तो हैं लेकिन एक ही रूट है। तो ये कौन सा केस होता है, ये होता है डी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि रियल रूट्स है लेकिन रूट्स कॉमन है, यानी कि दोनों रूट एक ही पॉइंट पे है। तो अब देखिए कि तीन तरह के केस बन सकते हैं किसके लिए, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो में तीन केसेज होंगे। ये वाला एक केस है, इसको कहेंगे डी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब जब मैं रूट्स निकालूंगा अल्फा बीटा तो दोनों रियल रूट्स आएंगे, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। लेकिन अगला जो केस है, ये वाला केस देखिए डी लेस देन जीरो, तो जैसे ही डी लेस देन जीरो हो गया तो दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, यानी कि रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सभी रियल नंबर है, ये रियल होना है, तो एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, दोनों रूट्स क्या है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जब डी लेस देन जीरो हो गया, इसका मतलब ये पूरा पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगा, कौन से वाले केस के लिए, ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। ए लेस देन जीरो के लिए ठीक इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जो मैं अभी बनाऊंगा। और तीसरा एक केस होता है डी इज इक्वल टू जीरो। डी इज इक्वल टू जीरो मतलब रूट्स रियल है लेकिन दोनों रूट्स कॉमन हो गए, यानी कि सपोज ये अल्फा है और अल्फा, दोनों रूट्स कॉमन है, तो ये जस्ट टच करेगा एक्स एक्सिस को, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसको टच करेगा, टेंजेंशियली टच करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ मैंने बनाया है उसका टेंजेंट क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये तीन केसेज हो गए, डी ग्रेटर देन जीरो के लिए, डी लेस देन जीरो के लिए और डी इज इक्वल टू जीरो के लिए। जब मैं ए लेस देन जीरो की बात करूंगा तो सब कुछ सेम रहेगा, बस इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो जब ए लेस देन जीरो वाला केस होगा तो देखिए कैसा है, ए लेस देन जीरो में एक केस तो ये होगा जब रियल रूट्स है, यानी कि आप लिख सकते हैं ए लेस देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो, कौन सा केस होगा, ये वाला होगा। ए लेस देन जीरो है इसलिए ये पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग है, इसलिए ए लेस देन जीरो हो गया। डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि रूट्स रियल हैं, देखिए तो रूट्स रियल हैं तभी ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस से। अब दूसरा केस लेते हैं कि सपोज इस तरह का ग्राफ है, तो ये कौन सा केस है, डी लेस देन जीरो वाला केस हो गया। और तीसरा केस लेते हैं कि सपोज इस तरह का है, बस वो एक्स एक्सिस को टेंजेंशियली टच कर रहा है, तो ये कौन सा केस हो गया, डी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया डी इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप कह सकते हैं कि इस तरह के 6 ग्राफ्स बनते हैं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको समझिए। पहला तीन तो हो गया ए ग्रेटर देन जीरो के लिए और बाकी तीन हो गया ए लेस देन जीरो के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड
नॉर्मली जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्या कंडीशन है जो आपसे पूछा जाएगा कि सपोज कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देगा कि इट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। तो अगर ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। तो कंडीशन सबसे पहले तो देखिए कि ए शुड बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब ग्राफ उसका कुछ इस तरह का बनना चाहिए, इस तरह का नहीं, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया तो इस पॉइंट में क्या है, ग्राफ तो आपका पॉजिटिव है नहीं, ग्रेटर देन जीरो है नहीं। तो अगर ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स है यानी कि ये वाला ग्राफ सही कैंडिडेट है। इसकी क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन जीरो। तो इस क्वेश्चन का अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली उसमें ए बी सी की कुछ वैल्यू होगी, आपको कुछ फाइंड करना होगा। तो अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए पता करना है कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, तो कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन तो होगा भाई कि ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो और दूसरा कंडीशन हो जाएगा डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो होगा तभी कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसी का ठीक उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है, वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि व्हाट इज द कंडीशन दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स। अगर ये आपसे पूछे यानी कि आपको कौन सा ग्राफ देखना है, ये वाला, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है इस वाले में इट इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स का मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो ए शुड बी लेस देन जीरो तभी हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर ए पॉजिटिव हो गया तो ये कभी ना कभी तो ऊपर उठ ही जाएगा ग्राफ इस वाले केस में। तो अगर इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला कंडीशन तो ये होगा कि ए शुड बी लेस देन जीरो, उसके बाद इसके रूट्स क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स, तो दूसरा कंडीशन होगा डी लेस देन जीरो। अब इन सारे कंडीशंस को याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। इसी दो कंडीशन पे बेस्ड मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अगले पार्ट में। इन दोनों कंडीशन को आप साइन स्कीम का जो एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं अभी अगले पार्ट में ही बताऊंगा उससे भी समझ सकते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो एक पैराबोला बनेगा, पैराबोला ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ए का क्या रोल है, ए आपको ये बताता है कि पैराबोला जो है वो इस तरह का ऊपर की ओर खुलने वाला है या नीचे की ओर खुलने वाला है, ए का ये रोल हो गया। उसी तरह इस सी का क्या रोल है, सी बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर एक्स इजकल टू जीरो है। आप देख लीजिए ये जो अगर वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैंने रखा है तो सी की वैल्यू क्या है, व्हेन एक्स इजकल टू जीरो वाई इजकल टू सी, यानी कि सी आपको ये बता रहा है कि एक्स इजकल टू जीरो पे यानी कि वाई एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी आपको वही दिखा रहा है। यानी कि अगर मैं सी में कुछ फेर बदल करता हूँ, सपोज मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, अब इस सी के कारण क्या होता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये सी जो है वो ये दिखाता है कि ग्राफ आपका नीचे होगा ऊपर होगा। अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं अलोंग द सेम एक्सिस इस तरह से, तो आप सी की वैल्यू को चेंज करते रहिए। ये तीन पैराबोला है, एक में सी की वैल्यू मान लीजिए सी वन है, दूसरे में सी टू है, तीसरे में सी थ्री है, बाकी ए बी सब कॉन्स्टेंट ही है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि सी थ्री इज ग्रेटर देन सी टू इज ग्रेटर देन सी वन। तो इस C की वैल्यू को बढ़ाने से क्या होता है, ग्राफ ऊपर जाता है। तो इस C का यही रोल है, C का रोल बस ये है कि आप ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, X एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हैं, या अगर आप वैसे देखें तो आप ये कह सकते हैं कि Y एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को ये C बताता है।